हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये करवा चौथ का वीडियो पार्ट टू है, तो इसमें देखिए आप लोग कि मैंने कौन सी साड़ी ली है। ये साड़ी है, ये ब्लाउज़ है और साथ में ये चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत सुंदर लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ मैंने ली है पायल और ये सुहाग का सामान में देखिए आलता है, सिंदूर है जो कि बहुत ज़रूरी है और बिंदी का पत्ता है। बस यही सामान मैंने लिया है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर अब देखिए, अब खाना भी हम लोग का तैयार हो रहा है। कढ़ी का फाइनल तड़का लगना तैयार है। तेल में हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिए हैं। कढ़ी हमारी तैयार हो गई। करवा चौथ में कढ़ी हम लोग के यहाँ बहुत ज़रूरी है, अच्छा मानते हैं, कढ़ी हम लोग ज़रूर खाते हैं। और एक तरफ सब्ज़ी बन के तैयार है, आलू बरबट्टी की मैंने सब्ज़ी बनाई है, बताइएगा कैसी बन रही है। और आज के खाने में कढ़ी, बरबट्टी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल हम लोग बनाएँ और हमारा खाना तैयार है। आप बताइएगा कैसा बना है खाना। ये चावल का आटा है, इसी के हमने लड्डू बनाए हैं और इसी के ये पिन्नी हम लोग के यहाँ ये होती है, इसको जब अर्घ देते हैं तो एक एक पिन्नी सिक्का और इसमें से एक एक लेके फिर अर्घ देते हैं, तो ये पिन्नी है। और फिर इसमें हल्दी डाल के करवा प्लेन लाए हैं, तो इस तरह से घोल के और इसमें लगा दिए हैं, तो हमारे करवा तैयार हैं। और ये ढक्कन में भी लगाए हैं, पर ढक्कन ऐसे आएगा। और इसके बाद इसमें हम पूड़ी रखेंगे, पूड़ी के ऊपर ये चार लड्डू रखेंगे और लड्डू के ऊपर ये दिया रखेंगे। ये जब पूजा करेंगे तब फिर आप देखेंगे। अभी इसमें हम ये प्लेन अभी आइपन किए हैं और इसमें हम अभी टीका करेंगे सिंदूर से, आलता से, जिससे भी सजाएंगे इसको। ये देखिए हम लोग पूजा की तैयारी हम लोग की हो चुकी है। थाली तैयार है, कलश तैयार है, करवे में बस अब पूजा करने के पहले करवे में पूड़ी और लड्डू रखेंगे और दिया जलाएंगे, कलश जलाएंगे, फिर पूजा स्टार्ट होगी। और देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग आलता लगा रहे हैं। अब हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग गौर कलश, माता रानी की और करवे की, चंदन टीका सब कुछ लगा के पूजा कर चुके हैं। और अब देखिए अब हम लोग ये सुहाग का सामान चढ़ा रहे हैं। जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सर्व संगे, ओम जय शिव ओंकार।
देखिए नीचे की पूजा हो चुकी है हम लोगों की। अब करवा लेके हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वहाँ से चंद्रमा अच्छे से स्पष्ट दिखते हैं। तो हम लोग छत वहाँ जाने के बाद चंद्रमा की पूजा करेंगे और पूजा की थाली भी साथ में लेकर के जाएंगे और चंद्रमा को भी जल छिड़क के जो भी अपन करते हैं पूजा, पूरी पूजा अच्छे से करके फिर करवे से आरती करेंगे। ये देखिए हम लोग छत में आ गए हैं और ये देखिए यहाँ से चंद्रमा कितना स्पष्ट बहुत अच्छे ढंग से दिख रहे हैं। और ये पिन्नी रखी है, पिन्नी से हम लोग अर्घ देंगे और अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अब हम लोग नीचे आ गए हैं ऊपर चंद्रमा की पूजा करने के बाद और यहाँ पे अब करवा को भगवान के स्थान पे जहाँ पे पूजा नीचे स्टार्ट किए थे वहाँ पे करवा को रख देंगे और अब पैर पड़ेंगे और सुहाग लेंगे और इस तरह से हम लोगों के यहाँ की पूजा संपन्न होती है। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होती है, आप लोग के यहाँ कैसी होती है बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।